अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि यदि हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, हैज़ या हैव, हैज़ या हैव के तुरंत बाद यदि हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तब हैज़ या वहाँ पर क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, और थर्ड फॉर्म वहाँ पर क्या काम करती है, मुख्य क्रिया के रूप में यूज़ होती है, क्लियर। लेकिन अगर हम इस चीज़ को ऐसे समझें कि हैज़ या हैव के तुरंत बाद क्या करें, हैज़ या हैव के तुरंत बाद यदि हम थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करके उसके स्थान पर क्या यूज़ कर लें, नाउन, प्रोनाउन एंड आर्टिकल, तीन चीज़ें माइंड में रखनी है आपको कि यदि हैज़ या हैव के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करके उसके स्थान पर क्या यूज़ कर लें, नाउन, प्रोनाउन एंड आर्टिकल, तब इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उस प्रकार के वाक्यों की पहचान किस टेंस के तहत की जाती है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही होता है कि क्या हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट में लें या फिर हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को प्रेजेंट सिंपल टेंस में लें। तो आपको पहली बात याद रखनी है कि आपने सिंपल सा फंडा समझा, क्या समझा, कि हैज़ या हैव के बाद यदि वर्ब आएगी तो कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तब इस प्रकार के वाक्यों की पहचान किसके तहत की जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत। लेकिन यदि हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करके उसके स्थान पर क्या यूज़ कर लें, हम नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल, तो क्या इस प्रकार के वाक्यों की पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यदि हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करके उसके स्थान पर नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल यूज़ कर दें, तब आप समझे इस चीज़ को ध्यान से कि यदि आपने क्या यूज़ किया है, सब्जेक्ट, क्या यूज़ किया है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर आपने यूज़ किया हैज़ या हैव, हैज़ या हैव के बाद अगर आपने यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, नाउन, प्रोनाउन एंड आर्टिकल, क्या यूज़ किया है, नाउन, प्रोनाउन एंड आर्टिकल। तो सिंपल सा फंडा आपको समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है, यहाँ पर आपका क्या यूज़ हुआ है, नाउन, प्रोनाउन एंड आर्टिकल आपने यूज़ कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान से समझें, ये आपका पार्ट क्या हो गया, सब्जेक्टिव पार्ट हो गया, प्लस ये आपका क्या हो गया, हैज़ या हैव, यानी हैज़ हैव यहाँ पर क्या है, इकलौती क्रिया के रूप में पहचानी जा रही है, और ये पार्ट क्या हो गया आपका, एक ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और आपने ये समझा है कि जब भी हम सेंटेंस में इकलौती क्रिया के रूप में यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस की क्या कहलाती है, मुख्य क्रिया कहलाती है, और हैज़ हैव यहाँ पर अब सहायक क्रिया नहीं बनके क्या बन जाती है, मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म में पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ ध्यान से समझे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, किसका रूल होता है, जल्दी बताओ किसका रूल होता है, प्रेजेंट सिंपल का रूल होता है ना। तो यानी यह एक बात समझ में आएगी, हैज़ या हैव के बाद यदि थर्ड फॉर्म आती है तो क्या कहलाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन हैज़ हैव के बाद यदि थर्ड फॉर्म यूज़ न करके उसके स्थान पर क्या यूज़ कर लो आप, नाउन, प्रोनाउन एंड आर्टिकल, तब इस प्रकार के वाक्यों की पहचान किसके तहत की जाती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के तहत की जाती है। और याद रखो, यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस के तहत की जाती है तो क्या इस प्रकार के वाक्य जो हम नेगेटिव बनाते हैं, डू नॉट या डज नॉट से बनेंगे या नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है, यदि आपने सब्जेक्ट प्लस मेनू की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लागू कर दिया यहाँ पर, तो इसके नेगेटिव किससे बनेंगे, डू नॉट वे डज नॉट से बनेंगे। वो कैसे बनते हैं वो भी समझते हैं, लेकिन साथ में अब हिंदी को भी लेके चलेंगे ताकि हिंदी में कैसे आप सेंटेंस को पहचानोगे। तो याद रखें, दुनिया में कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास है, लाइक मैंने बोला मेरे पास मार्कर है, क्या बोला मैंने, मेरे पास मार्कर है, तो क्या बोलूँगा सेंटेंस यहाँ पर, आई, आई के साथ क्या यूज़ करते हो, हैज़ या हैव, क्या यूज़ करोगे, हैव, क्या बोलोगे, आई हैव, और मार्कर यहाँ पर सिंगुलर है, सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, तो क्या बोलोगे, आई हैव ए मार्कर, क्या बोलोगे, आई हैव ए मार्कर, ठीक है। अब बात करते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे, तो नेगेटिव आप कैसे बना रहे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस में, डू नॉट वे डज नॉट से, तो आई के साथ डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, जल्दी बोलो क्या आएगा, आई के साथ डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट आएगा, तो क्या बनेगा सेंटेंस, मेरे पास मार्कर नहीं है, क्या बनेगा, आई डू नॉट हैव ए मार्कर, ठीक है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि आपको हैव नॉट से नहीं बनाना है। आज तक बहुत सारे स्टूडेंट क्या यूज़ करते आ रहे हैं कि आई हैव नॉट ए मार्कर, क्या बोलते हैं, आई हैव नॉट ए मार्कर, भी सेंटेंस पॉजिटिव बोला मैंने, आई हैव ए मार्कर, नेगेटिव क्या बनते हैं, आई हैव नॉट ए मार्कर, गलत है। आपको याद क्या रखना है, आई डू नॉट हैव ए मार्कर, ये ग्रामेटिकल राइट है, कई बार एग्जाम के अंदर भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, क्लियर है चीज़। अब अगर बात करते हैं सिंगुलर की, कैसे, मैंने बोला कि मेरे पास पैसे हैं, क्या बोला मैंने, मेरे पास पैसे हैं, सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव मनी। और अगर मैं इस बात को अगर ऐसे बोलूँ कि उसके पास पैसे हैं, क्या बोला मैंने, उसके पास पैसे हैं, सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैज़ मनी, क्या बनेगा, ही हैज़ मनी, क्लियर। अब ही हैज़ मनी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही सीट के साथ हम डज नॉट लगाते हैं या डू नॉट लगाते हैं, जल्दी बताओ, ही सीट के साथ डज नॉट आता है या डू नॉट आता है, डज नॉट, सेंटेंस क्या बनेगा, उसके पास पैसे नहीं है, क्या बनेगा सेंटेंस, ही डज नॉट हैव मनी,
अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या बनाते हैं, जिनको पता नहीं क्या बनाते हैं, ही हैज़ नॉट मनी। क्लियर है बात, आपको समझ में आ रहा है ना कुछ की सेंटेंस को क्यों हमने इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिया है। इसलिए लिया है कि हैज़ेव यहाँ पर इकलौती क्रिया, और हैज़ेव किस फॉर्म में पड़ती है, फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब के लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था वर्ब के लेक्चर में हमने, कि हैज़ेव यदि सेंटेंस में इकलौती क्रिया के रूप में पहचानी जाती है तो कौन सी फॉर्म में पड़ती है, फर्स्ट फॉर्म में। उसी प्रकार यदि इज़ेमार अगर इकलौती क्रिया के रूप में पहचानी जाती है कौन सी फॉर्म में पड़ती है, फर्स्ट फॉर्म में। और वॉज़ वर्ब कौन सी फॉर्म में पड़ती है, सेकंड फॉर्म में। कब जो इकलौती क्रिया के रूप में पहचानी जाती है सेंटेंस के अंदर, वो पढ़ेंगे किसके अंदर, पास्ट टेंस के अंदर। ये चीज़ क्लियर है आपको। अब बात करते हैं कि यदि ये चीज़ क्लियर है तो इसका सेंटेंस पॉजिटिव क्या होगा। तो पॉजिटिव आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नाउन प्रोनाउन एंड आर्टिकल। क्लियर है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस होगा। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव की। तो अभी बात की मैंने कि नेगेटिव में आपको क्या सिखाया मैंने, नॉट कौन से नंबर पर यूज़ करते हैं, थर्ड नंबर पर। तो आपको ये नहीं करना है कि सब्जेक्ट के बाद हैज या लिख के फिर नॉट यूज़ कर दो, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये रूल किसका लागू हो गया, प्रेजेंट सिंपल का। और प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव किससे बनते हैं, डू नॉट वे डज नॉट से। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा देख लें, यहाँ पर नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो तब क्या आएगा, डू, और सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर हो तब क्या आएगा, डज, प्लस आपको क्या यूज़ करना, थर्ड नंबर पर नॉट यूज़ करना है। क्लियर, और चाहे डू नॉट हो चाहे डज नॉट हो, अगर आपका सिंगुलर में आपने हैज़ यूज़ किया है, प्लूरल में अगर आपने पॉजिटिव में हैव यूज़ किया है, लेकिन डू नॉट और डज नॉट के साथ क्या आएगा, हमेशा हैव ही आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। क्यों, क्योंकि सिंगुलर में हमें पता है कि ही सी इट के साथ क्या आनी चाहिए, मेन्यू की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। और उसी प्रकार हमने सेंटेंस बोला था ही हैज़ मनी, तो ही यहाँ पर सिंगुलर था, हैज़ में क्या था, एस था। क्लियर है, लेकिन नेगेटिव जैसे बना है उसके पास पैसे नहीं है, सेंटेंस क्या बना, ही डज नॉट हैव। क्यों आया, क्योंकि डज में क्या शामिल है आपका, यस शामिल है। क्लियर, तो सेंटेंस में क्या आएगा, चाहे डू नॉट हो चाहे डज नॉट हो क्या आएगा, यहाँ पर हैव ही आएगा। दिक्कत कहाँ पर आती है, केवल यहाँ पर, और वो आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, क्या पढ़ा था कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगल नेम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ यूज़ करते हैं। जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया क्या, आई वी यू दे, उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर हैव यहाँ पर कौन सी फॉर्म में पड़ेगी, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव पार्ट, कौन सा पार्ट हो गया, ये पूरा पार्ट क्या लगेगा आपका, ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, हैव यहाँ पर कौन सी फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर, अब बात कर लेते हैं इसका इंटरोगेटिव, क्या बात कर लेते हैं, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्न कैसे करोगे। तो प्रश्न भी सीधी सी बात, अगर आपने नेगेटिव में क्या यूज़ किया, डू नॉट या डज नॉट यूज़ किया है, तो सिंपल सा फंडा है, हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना होगा, डू या डज से ही क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या बन गई, अब डू या डज, तो हेल्पिंग वर्ब अगर ये बन गई तो क्या बनेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट। यदि आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो तो क्या यूज़ करेंगे, डज। सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो किससे क्वेश्चन करेंगे, डू से। प्लस यहाँ पर क्या यूज़ करोगे आप, हैव, क्या यूज़ करोगे, हैव प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर, ये क्या बनेगा, इंटरोगेटिव, कि लाइक मैंने अगर क्वेश्चन किया, क्या उसके पास पैसे हैं, क्या उसके पास पैसे हैं, सेंटेंस क्या बनेगा, डज ही हैव मनी, क्या बनेगा, डज ही हैव मनी। अगर ये बात कर लूँ मैं इंटरो नेगेटिव की, कि क्या उसके पास पैसे नहीं है, सेंटेंस क्या बनेगा, डज ही नॉट हैव मनी। तो सेंटेंस में क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, सीधा सा फंडा आपके सामने लिखा हुआ है कि हैज़ेव के साथ अगर वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तब इस प्रकार के वाक्यों की पहचान किसमें करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। लेकिन हैज़ या हैव के तुरंत बाद यदि हमने थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं की, उसके स्थान पर क्या यूज़ कर लिया हमने, नाउन प्रोनाउन एंड आर्टिकल, तब इस प्रकार के वाक्यों की पहचान किसके तहत की जाती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के तहत। क्योंकि हैज़ेव यहाँ पर क्या बन जाती है, इकलौती क्रिया, और कौन सी फॉर्म में पड़ती है, फर्स्ट फॉर्म में। अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना तो हम हैज़ नॉट या हैव नॉट से नेगेटिव नहीं बना के किससे बनाते हैं, डू नॉट वे डज नॉट से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं डू नॉट वे डज नॉट से, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल लागू हो गया, और हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेगेटिव किससे बनते हैं, डू नॉट वे डज नॉट से बनते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सेंटेंस को हिंदी में कैसे पहचानोगे, सीधी सी बात है ना, इंग्लिश में तो पहचान लिया कि हैज़ेव अगर के बाद नाउन प्रोनाउन या फिर आर्टिकल आ जाए तो सेंटेंस हम समझ जाएंगे, लेकिन हिंदी में कैसे पहचानोगे, हिंदी में सिंपल सा तरीका है कि कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास है, प्रेजेंट में है। लाइक मैंने बोला यहाँ पर सेंटेंस कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, बोला मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, क्या बोलूँगा सेंटेंस, आई हैव ए मोबाइल फ़ोन। मैंने यहाँ पर बोला कि कृष्णा के पास नए कपड़े हैं, सेंटेंस क्या बनेगा, कृष्णा हैज़, क्या बनेगा, कृष्णा हैज़ न्यू क्लोथ्स, क्या बनेगा, कृष्णा हैज़ न्यू क्लोथ्स। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम क्या यूज़ कर रहे हैं,
हैज यूज कर रहे हैं, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हैव यूज कर रहे हैं। नेगेटिव में सिंपल सा फंडा है कि प्लूरल है तो डू नॉट और सिंगुलर है तो डज नॉट, लेकिन डू नॉट और डज नॉट के बाद क्या आएगा, हमेशा केवल एक ही चीज आएगी, क्या आएगी सामने लिखा हुआ, क्या आएगा आपका हैव। सिंपल सा फंडा है कि चाहे नेगेटिव में डू नॉट हो चाहे डज नॉट हो, हमेशा क्या आएगा हैव ही आएगा। तो एक बात समझनी है कि जहाँ डू नॉट या डज नॉट आए वहाँ पर मैं क्या यूज़ करना, केवल हैव यूज़ करना, हैज़ का यूज़ नहीं करना। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, कि एग्जाम्पल कैसे फ्रेम होंगे। तो एग्जाम्पल देखना है यहाँ पर ध्यान से। फर्स्ट एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, हिंदी भी रहेगी साथ में और इंग्लिश भी, केवल समझने की कोशिश करना। तो फर्स्ट है आपका पॉजिटिव का सेंटेंस। बात कर लेते हैं पहले प्लूरल की, कि कैसे प्लूरल का सेंटेंस फ्रेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, तुम्हारे पास पैसे हैं। अभी क्या बोला मैंने सेंटेंस की, दुनिया में कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास प्रेजेंट में है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ या हैव यूज़ करते हैं, क्लियर है। और किसी भी इंसान के पास कोई भी चीज़ थी, पास में थी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैड यूज़ करते हैं। वो पढ़ेंगे किस में, पास टेंस में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो सेंटेंस तुम्हारे लिए क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, यू, और यू के साथ क्या यूज़ करते हैं, हैज़ या हैव, जल्दी बोलो क्या यूज़ करते हैं, हैव। तो यू हैव मनी। तो यहाँ देखिए वो रूल लागू हुआ या नहीं हुआ, सिंपल सा देखें, यहाँ पर यू यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, मनी यहाँ पर क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है, चाहे तो आप इसे नाउन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है पार्ट माना जाएगा एक ऑब्जेक्टिव पार्ट। मनी यहाँ पर क्या है, नाउन है, और कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, इसे हम गिन नहीं सकते। इसी की वजह से हमने यहाँ पर क्या नहीं लगाया, आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। अब है बताओ यहाँ पर इकलौती क्रिया है या फिर दो क्रिया है, इकलौती क्रिया तो कौन सी फॉर्म में पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म में। तो ये क्या बन गया आपका फर्स्ट फॉर्म, तो सब्जेक्ट प्लस मेनू की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, किसका रूल लागू हो गया, प्रेजेंट सिंपल। तो अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो किससे बनेंगे, डू नॉट या फिर डज नॉट से। तो बात कर लेते हैं अब नेगेटिव की, इसकी बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से, नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। सेंटेंस क्या बनेगा, यू, यू के साथ क्या यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, डू नॉट या डज नॉट। अब जस्ट उनके मुंह से निकला क्या निकला, यू हैव नॉट, क्लियर है। तो मुझे पता है कि ऐसे कुछ मिस्टेक्स होती है, तो याद रख लो इस चीज़ को, क्या बनेगा इसका सेंटेंस, यू डू नॉट हैव मनी। डू नॉट क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें जैसे पता है कि फर्स्ट फॉर्म जब भी आए सब्जेक्ट के बाद उसका नेगेटिव किससे बनता है, डू नॉट या डज नॉट से, और यू के साथ क्या आएगा, डू नॉट। सेंटेंस क्या बनेगा, यू डू नॉट हैव मनी, यू यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, डू यहाँ पर क्या है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपने क्या यूज़ किया, नॉट प्लस हैव यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सबसे आसान है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्ब याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। कौन सी वर्ब याद रखनी है आपको ज़रूरत, क्योंकि वर्ब यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, कोई भी चीज़ आपके पास है क्या यूज़ करना है आपको, हैवी यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको कोई दूसरी वर्ब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल याद क्या रखना है कि जो नाउन प्रोनाउन जो आर्टिकल आएगा उसकी इंग्लिश आपको मालूम होनी चाहिए। जी देख, मैंने बोला सेंटेंस तुम्हारे पास पैसे हैं, पैसे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं, मनी। मैं बोलूँगा मेरे पास वॉच है, क्या बोलूँगा, आई हैव ए वॉच, क्लियर है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर सेंटेंस मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, आई हैव ए मोबाइल फ़ोन, तो मोस्ट ऑफ केसेस में हम चीज़ें 60-70% हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। भाई कपड़े हैं या न्यू क्लॉथ है, टी शर्ट है, शर्ट है, क्या इंग्लिश वर्ड ही है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन ये क्या इंग्लिश वर्ड ही है, वॉच क्या है इंग्लिश वर्ड ही है, हाउस होम ये क्या इंग्लिश वर्ड ही है, यानी मोस्ट ऑफ केसेस में हम इंग्लिश वर्ड ही यूज़ करते हैं। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, केवल आपको ये समझना है कि हमें नेगेटिव किससे बनाना है, डू नॉट या डज नॉट से, केवल ये मिस्टेक्स करते हैं और एग्जाम में इसी प्रकार के एरर पूछी जाती है। अब बात कर लेते हैं इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्न कैसे करोगे। तो सेंटेंस क्या बोला मैंने, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, क्या बोला मैंने, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। तो एक सेंटेंस अगर क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो आप बताओ नेगेटिव किससे, इसका इंटरोगेटिव किससे बनेगा, डू नॉट या केवल हैव से बनेगा, किससे बनेगा जल्दी बोलो, किससे बनेगा, इसका बनेगा डू से, नो हैव से नहीं बनेगा। अभी बताया जस्ट मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या चल रही है आपकी, टू। तो सेंटेंस क्या बनेगा इसका, डू यू हैव, क्या बनेगा, डू यू हैव मनी, क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। और डू यहाँ पर क्या है हेल्पिंग वर्ब, यू यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, हैव यहाँ पर क्या है
ठीक है, मेनू की फर्स्ट फॉर्म है मनी, यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इंटरो नेगेटिव, कौन सा आपका नेक्स्ट पार्ट, इंटर नेगेटिव, हिंदी क्या बनेगी जल्दी बोलो, हिंदी क्या बनेगी पहले हिंदी बोलो, क्या बनेगा, क्या तुम्हारे पास पैसे, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, सेंटेंस क्या बनेगा इंग्लिश में क्या बनेगा जल्दी बोलो, डू यू नॉट हैव मनी, डू यू नॉट हैव मनी, दोबारा समझो इस चीज़ को, क्या आप समझा आपने, आपने सिंपल सा फंडा समझा कि हैजेव के बाद अगर वर्ब आएगी तो कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, यदि थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करके उसके स्थान पर क्या यूज़ कर ले, नाउन प्रोनाउन एंड आर्टिकल, तब इस प्रकार के वाक्यों की पहचान किसके तहत की जाती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के तहत की जाती है। तो समझिए इसका एग्जाम्पल क्या, फर्स्ट नंबर तुम्हारे पास पैसे हैं क्या बनेगा, यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है नेगेटिव कैसे बनेगा, यू हैव नोट्स नहीं बनेगा कैसे बनेगा, यू डू नॉट हैव मनी, इंटरोगेटिव क्या बनेगा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, डू यू नॉट हैव मनी। अब बात कर लेते हैं सिंगुलर कैसे बनेगा, लाइक सिंगुलर यहाँ पर कि उसके पास किताबें हैं, क्या बोला मैंने, उसके पास किताबें हैं, सेंटेंस क्या बनेगा, सी हैज़ बुक्स, क्या बनेगा, उसके पास किताबें, तो उसके लिए क्या आएगा, सी, सी के साथ क्या यूज़ करोगे, हैज़, तो सी हैज़ बुक्स। अगर नेगेटिव बनाना है कि उसके पास किताबें नहीं है क्या बनेगा, सी डज नॉट, भाई डू नॉट यूज़ नहीं करोगे क्योंकि ही सी इट के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, डज नॉट, तो सी डज नॉट हैव बुक्स। और बात कर अपने समझी कि चाहे डू नॉट हो चाहे डज नॉट हो, हमेशा क्या आता है यहाँ पर, हैव ही आता है, क्लियर है। और क्या उसके पास किताबें हैं क्या बनेगा, डज सी हैव बुक्स, और क्या उसके पास किताबें नहीं है, डज सी नॉट हैव बुक्स, क्लियर है फंडा। कुछ और एग्जाम्पल सुन लो ध्यान से, मैंने बोला सेंटेंस कि रवि के पास बाइक है, क्या बनेगा सेंटेंस, रवि हैज़ ए बाइक, रवि के पास बाइक नहीं है, रवि डज नॉट हैव ए बाइक, क्या रवि के पास बाइक है, डज रवि हैव ए बाइक, क्या रवि के पास बाइक नहीं है, डज रवि नॉट हैव ए बाइक, क्लियर है फंडा आपको। अब बात करते हैं एक और सेंटेंस लेते हैं, प्लूरल का सेंटेंस है, उनके पास इंग्लिश का नॉलेज है, क्या बोला मैंने सेंटेंस, उनके पास इंग्लिश का नॉलेज है, दे हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, डू दे हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड डू दे नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। सेंटेंस में आपने अगर समझा यहाँ पर ध्यान से कि हमने एक ही चीज़ यूज़ की है कि हैज़ेव के बाद वर्ब यूज़ नहीं किए, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान किसके तहत की जाती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना, तब जाके चीज़ें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी।